सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम बैरी श्वार्ट्ज की किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह पुस्तक इस विचार पर प्रकाश डालती है कि बहुत अधिक विकल्प होना वास्तव में हमारे सुख और कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यदि आपने कभी अपने लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या से खुद को अभिभूत पाया है तो यह वीडियो आपके लिए है। पसंद का विरोधाभास इस विचार की पड़ताल करता है कि हमारी आधुनिक दुनिया में हमें हर दिन भारी संख्या में विकल्पों का सामना करना पड़ता है, जबकि विकल्प होना एक अच्छी बात हो सकती है। बहुत सारे विकल्प वास्तव में हमें नाखुश और अतृप्त बना सकते हैं। पुस्तक बताती है कि पसंद की प्रचुरता विश्लेषण पक्षाघात के रूप में जानी जाती है, जहां हम विकल्पों से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां तक कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तब भी हमें अक्सर खेद या आश्चर्य होता है कि क्या हमने सही चुनाव किया। श्वार्ट्ज का तर्क है कि कम विकल्प होने से वास्तव में अधिक खुशी और कल्याण हो सकता है। जब हमारे पास चुनने के लिए कम विकल्प होते हैं तो हम ऐसा निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं जिसके बारे में हम अच्छा महसूस करते हैं, और खुद के बारे में दूसरे अनुमान लगाने की संभावना कम होती है। पुस्तक उस प्रभाव की भी पड़ताल करती है जो विज्ञापन हमारे विकल्पों पर पड़ता है। विज्ञापनदाता अक्सर हमें पसंद की झूठी भावना के साथ पेश करते हैं, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे पास वास्तव में जितने विकल्प हैं, उससे कहीं अधिक विकल्प हैं। यह संतोष की भावनाओं को जन्म दे सकता है जब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा चुना गया उत्पाद या सेवा हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। कुल मिलाकर द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इस प्रभाव पर एक विचारोत्तेजक रूप प्रदान करता है कि पसंद की प्रचुरता का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे विकल्पों के नकारात्मक प्रभावों को समझकर हम अधिक सुविचारित निर्णय ले सकते हैं और अंततः अधिक खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। और यह बैरी श्वार्ट्ज द्वारा द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का हमारा सारांश है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और विचारोत्तेजक लगा होगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें और हमें बहुत अधिक पसंद के विचार पर अपने विचार बताएं। और हमेशा की तरह इस तरह की और बेहतरीन सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।